कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश। मैं अभी भी आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं कला मंदिर से, जहां पर चल रहा है स्टेज क्राफ्ट अवार्ड्स 2015। जी हां, इस दिन का हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। सीजन वन के सक्सेस के बाद आज कला मंदिर में एक बार फिर से एक के बाद एक नामी कलाकार जो है यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। याद किया जा रहा है उन सभी को जो बैक स्टेज में रहते हैं, लेकिन उनका रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक इवेंट को, एक मूवी को सक्सेसफुल बनाने में। और इस वक्त हमारे साथ नन अदर देन माय फेवरेट सिंगर सोना महापात्रा, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली। सोना, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, कोलकाता शहर में हैं, क्या कहना चाहेंगे कोलकाता शहर लेकर? सबसे पहले कोलकाता आके मुझे सबसे पहले तो एक बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, एंड क्लीशे लग सकता है, आई रियली फील यहाँ पे जो लोगों का जनरल जो फितरत है, दे अप्रिशिएट आर्ट, म्यूजिक, कल्चर एक है वो, और यहाँ पे आके लगता है यू स्टार्ट बिलीविंग दैट हाँ एक फ्यूचर है, कि आई होप इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिल्मी गानों को ही नहीं पसंद किया जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एक्टर्स को ही ऊपर नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे म्यूजिशियन और आर्टिस्ट और सिंगर्स, इन सबको बहुत प्यार मिलता है, एंड आई थिंक थोड़ी देर के बाद मैम आप परफॉर्म करने वाली हैं। इस वक्त पूरा कोलकाता और कला मंदिर जो है वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि आप कब परफॉर्म करेंगे। हम लाइव ऑन एयर और भी बातें करेंगे। वैसे चीयर्स कोलकाता हमारे शो का नाम है, कोलकाता की एक ऐसी चीज जिसे देखकर आप कहेंगे चीयर्स कोलकाता। मैं तो सबसे, मेरे प्यारे दोस्त जितने हैं यहाँ पे उनको चीयर्स कहना चाहूँगी, और जो ऑडियंस है उनको कहना चाहूँगी, क्योंकि वो लाइव म्यूजिक और अपने बैंड्स और अपने म्यूजिशियंस को उतना ही प्यार दें, क्योंकि अभी पूजा इज अराउंड द कॉर्नर, और पहली बार हम लोग उषा दीदी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कल पहुँचे वाइब्रेशन, और हर रूम में कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हो रहा था पूजा एल्बम का, और मुझे वो देख के इतना रोना आ गया कि यहाँ पे अपने लोकल कल्चर का इतना पेटर्नेज है और इतना प्यार है म्यूजिशियंस के लिए, कि ये नहीं कि यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, सुना पड़ा हुआ है, और सब भाग रहे हैं कि मुंबई में जाके अपना करियर बनाएं। तो मुझे लगता है भारत और इंडिया के हर भाग में ऐसे ही होना चाहिए, कि वो अपने म्यूजिक, अपने म्यूजिशियंस, अपने आर्टिस्ट को प्रोत्साहन देते रहें, और वी शुड हैव अ वाइब्रेंट कल्चरल सीन इन एवरी सिटी। जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पर सुन रहे हैं, उन सभी से कुछ कहते जाइए। और सोना को जब हम लाइव ऑन एयर पाए हैं तो दो लाइन तो हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे मैम। कौन सा गाना सुन? कोई भी, आप आज कोलकाता को कुछ डेडिकेट करना चाहें, अपने फैंस को कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। सपने सपने होना जरूरी है, सपने सपने होना जरूरी है, कच्चे हैं पक्के हैं आधे पूरे, हर दूसरा चेहरा यहाँ सोया सोया है, ऐसा लगे सबका कुछ खोया खोया है, शहरों में पेड़ सोते नहीं है, चिड़िया नहीं है गाती, यहाँ रात दिन चल के भी यार मंजिल नहीं है आती, फिर भी सपने हैं होना जरूरी है, तेरे मेरे इसके उसके सबके सपने। क्या बात है सोना, आपने दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप कोलकाता इसी तरह आते रहें और हम सबको एंटरटेन करते रहें। मैम थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, सो मच। ये थी हमारे साथ नन अदर देन सिंगर सोना महापात्रा, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। मैं निमेश रिपोर्ट कर रहा हूँ कला मंदिर से, जहां पर चल रहा है स्टेज क्राफ्ट अवार्ड 2015, जिसके रेडियो पार्टनर है फ्रेंड्स एफएम। बैक टू स्टूडियो।